हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी हो गई है सुबह और हम लोग पी रहे हैं सुबह की चाय। सेव है आई थिंक, ये है फाफड़ा। मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं हूँ मैं, अगर आप लोगों को पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये है कच्चे पपीते की क्रश करके, जो हम लोग ढोकले के साथ भी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये वो है। लेकिन ये फाफड़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो ऐसे पहना जाता है। हाँ ले लो। देखो जब वेकेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, हम लोग कहीं पर भी इंजॉय करने के लिए, स्कूल बंद हो गया तो बच्चों को घुमाने के लिए, फिर मम्मी डैडी कोई भी घूमने के लिए जाता तो इस तरह का कैप हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारा अपना दुकान का कैप है, क्योंकि पहले हमारी दुकान में कैप का ही होल सेलर होता था, अब जाके कुर्ता और शेरवानी वगैरह का हो चुका है। और यहाँ पर दीदी का लगभग सारा काम हो चुका है, बस ये पोछा लगाएंगी उसके बाद चली जाएंगी। सो अभी हम आ गए हैं किचन में और अभी सोच रहे हैं कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए। सो फाइनली सोचा है कि आज बनाते हैं मुगले पराठा। सो यहाँ पे आटा को गूंद दिया है और ये है अंडा, जिसमें प्याज, मिर्च और लाल मिर्च, नमक एंड गोल मिर्च का पाउडर, ये सब कुछ देखिए, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और मुगले पराठा बनाएंगे इसका। आटे को जो मैंने गूंदा है उसमें ऑयल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखा ताकि खस्ता बने। सो अंडे को थोड़ा ज़्यादा देर तक फेंटेंगे, इसलिए क्योंकि जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कई बार हम लोग देखते हैं कि अंडा में कहीं पे ज़्यादा नमक लगता है, कहीं पे कम लगता है, वो इसी वजह से कि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे रोटी को बेल लेंगे थोड़े बड़े बड़े साइज़ में। अब तवे पे पहले ही ऑयल डाल दिया है मैंने, उसके बाद ही इसमें रोटी डाली हूँ। वैसे मैंने रोटी का साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, जितना बड़ा तवा है उतना बड़ा साइज़ का ही रोटी बनाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा चकला थोड़ा छोटा है, लेकिन जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में बनता है। और मुगले पराठे का मतलब ही यही होता है कि आप बड़ा बड़ा बनाओ। अभी अंडे को इसमें डाल के इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से, ताकि सब तरफ जो अंडा है वो अच्छे से लग जाए। और इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। और अभी मैं ये दूसरा वाला डाल रही हूँ, जब भी अंडा डालेंगे उसको फेंट के ही डालेंगे, क्योंकि नमक नीचे रह जाता है। उसके बाद इसको फिर से इस तरह से करके फोल्ड कर देंगे। कच्चा में ही फोल्ड करिएगा तो जिस तरह का आप शेप देना चाहेंगे ना वैसा ही शेप उसमें आराम से आ जाता है। इसको इस तरह से हल्का सा यहाँ पर शेप लगा के इस तरह से यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे और उस साइड से फोल्ड कर देंगे। और फिर उसको लो फ्लेम पे हम लोग धीमे धीमे यहाँ से पकने के लिए रख देंगे, ताकि अंदर का जो अंडा है वो कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए और ऊपर का जो पराठा है वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सो अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ 4 पीस में ही कट कर रही हूँ, नहीं तो हम लोग अगर इतना बड़ा बनाते हैं कि एक साइड का जो है 4-4 पीस करके निकलता है। फिलहाल मेरा छोटा हो चुका था ऑलरेडी, इस वजह से सिर्फ एक में 4 ही पीस बन पाया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस मैंने बनाया, नहीं तो हम लोग मोस्टली छोटा छोटा पीस ही बनाते हैं। एक बार लटका ना बस पैर, खत्म कहानी। सो ठंड का टाइम है, हम लोग सब छत पे बैठे थे तो मैं सबके लिए चाय छत पे ही लेके आ गई और हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अभी चाय को। अभी जो धूप है यहाँ पे बहुत जल्दी निकलती भी और ढल भी जाती है। अभी हम लोग आए थे मार्केट और वैलेंटाइन को लेके इस शॉप में, ये छोटा सा मॉल है
जहाँ पे आपको बहुत तरह की चीज़ें आराम से देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप वैलेंटाइन के लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो और ये देख सकते हो। छोटा सा मिरर जो हम लड़कियों को अक्सर पसंद आता है कि हम अपने पर्स में कैरी करें ताकि हम अपना मेकअप को देख सकें कि वो सही है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये जो आप छोटू सा मनी पर्स देख रहे हो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है। स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से है। आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो यहाँ से। बच्चों के कलर्स वगैरह भी है, हर चीज़ आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप गुवाहाटी से हैं तो फैंसी बाज़ार में आइए, कमारपट्टी में मस्जिद गली के अंदर MS बैग हाउस है, उसके अंदर आप आइएगा तो आपको जो भी शॉपिंग करना है आप सब कुछ मार्केट से एकदम अलग हट के यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। सो अभी हो चला है रात और ये हमारा रात का खाना आप देख सकते हैं। ओके देन फ्रेंड्स, गुड नाइट। सो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और हम आ गए हैं छत पे धूप खाने के लिए एज ऑलवेज। और पटना में कैसी ठंड है मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और यहाँ पे जो है बन रहा है प्राउन फिश, जिसको हम लोग एक साथ ही सारे मसालों को मैरिनेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, बाकी सारे मसाले भी जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं वो भी जाएंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके एक ही बार यहाँ पे ऑयल को हीट करके उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं। तो इसमें जाएगा मेथी का फोरन, यहाँ पे ये है नेनुआ, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, झींगा नहीं झीका ना, झीका। तो इसको भी हम लोग कट करके अभी मछली में डालते हैं। इसको डालने से बहुत ही मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।